सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ब्योल्ड स्किल की हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन्स की। और अभी हम इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं। ये जो मशीन है काफ़ी अच्छी मशीन्स है, ब्योल्ड स्किल कंपनी की जो मशीन्स है। और सबसे ख़ास बात है इस मशीन की, ये मेड इन इंडिया मशीन है। ये जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया में ही बनाई है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं इसको पर्सनली अपने यूज़ के लिए मंगाई है। अगर आप भी अगर इस मशीन को चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। देखेंगे, काफ़ी अच्छी पैकिंग दी है इसमें। हम इसको ओपन करते हैं फटाफट। तो जैसा कि हमने अब इसको ये ओपन कर लिया है, काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर ये ब्रांडिंग की हुई है ब्योल्ड स्किल के नाम से। यहाँ पर कंपनी ने अपना लोगो और नाम दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं जो इसमें मशीन है वो कैसी मशीन है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स दी है, इसका मॉडल नंबर और आपकी इसकी कस्टमर केयर का नंबर भी आपने यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर कोई कंप्लेंट है तो आप उसको, या कोई क्वेरी है तो इसको नीचे वहाँ से कॉल या मेल भी कर सकते हैं। अब हम इसको निकालते हैं, चलिए इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप ये अच्छी पैकिंग में, यहाँ पर देखिए ये हम ये ड्रिल मशीन है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। अब देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने मशीन के ऊपर भी ब्रांडिंग की हुई है और काफ़ी अच्छा कलर है इसका। साथ में साथ ये ड्रिल चक, और यहाँ पर ये ड्रिल चक की है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कार्बन बुश भी हैं, जो अगर कार्बन चल जाते हैं तो उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो कार्बन बुश भी दिए उन्होंने एक्स्ट्रा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये इसकी कैटलॉग दी है, जिसमें इसकी और भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ से इसको ओपन करके इसको यहाँ से आप ये देख सकते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रखते हैं और मशीन्स को देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम इस मशीन की कुछ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या कैपेसिटी है वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो चक का साइज़ है, इसमें हम 10 mm तक के चक को होल्ड कर सकते हैं। इसी जो ड्रिल चक है, इस ड्रिल चक को हम इसमें असेंबल करने के बाद 10 mm तक के जो भी ड्रिल है साइज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसके RPM देखेंगे, तो RPM देखिए इसके 2600 RPM, यानी RPM का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में जो चक्कर हैं 2600 RPM है। और 300 वाट की ये मशीन है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये वेंटिलेशन, कूलिंग वेंटिलेशन का सिस्टम दिया है, और यहाँ पर ये स्विच ऑन ऑफ का है। साथ ही साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यूस चला सकते हैं इस ब्लैक स्विच के साथ साथ। और इस तरह से हम इसको फिर इसमें ये ड्रिल चक इसकी असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के बाद साथ ही साथ हमें इसमें और एक और मेन चीज़ है कि इसमें आपको ये वारंटी भी मिल जाती है। इसको 6 मंथ की इसकी वारंटी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 6 मंथ की वारंटी के साथ इसको कोई भी रिप्लेस करा सकते हैं, इसकी वारंटी ले सकते हो आप। तो काफ़ी अच्छी मशीन है, मैं पर्सनली अपने यूज़ के लिए मंगाई है, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपको ये ड्रिल मशीन्स अपने किसी घर में किसी भी काम है या वर्कशॉप में नॉर्मल कामों के 10 mm तक के जो काम है उसके लिए आप इस तरह की जो ब्योल्ड स्किल कंपनी की हैवी ड्यूटी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है उसको मंगा सकते हो। तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, किस तरह से ये प्रैक्टिकली वर्क करती है। तो चलिए चलते हैं हम इसको लेकर अब शॉप फ्लोर पर, और वहाँ पर हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। सो गाइस, अब आपको हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। देखिए एक हमारे पास ये ड्रिल है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5-6 mm की हमारी ये ड्रिल है, और इसको मैं आपको मेटल पर इसकी ड्रिलिंग है वो करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम इसकी जो ड्रिल चक हमने इसमें फिट किया है उसमें हम ड्रिल को फिट कर लेते हैं।
कुछ इस तरीके से। और ड्रिल चक की जो एक की हमें दी गई है, इस की हेल्प से इसको टाइट, आपने इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर आपको वॉल्स वगैरह पे दीवार पे कहीं सुराख करने तो उसके लिए आप हैमर विट जो होती है इसकी, वो विट यूज़ करेंगे आप। ये मेटल या वुड वगैरह के लिए हम इस तरह की ड्रिल का यूज़ करते हैं, ड्रिल विट जो हमने लगाई है। तो हमने ये फिट कर लिया है, अब आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करती है। इस तरह से देखिए होल कर सकते हैं। अभी हम एल्युमिनियम के वर्क पीस पे करके दिखाते हैं आपको एक ड्रिलिंग, इसे इस पे भी हम ड्रिल करके देखते हैं। देखिए हमने एल्युमिनियम की है सीट थी उस पर भी हमने ड्रिलिंग की है। अभी हम इसको MS पे ड्रिल करके देखते हैं। इससे ये एल्युमिनियम है, अभी हम इसको MS पे ड्रिल करते हैं। ये देखिए MS का एक वर्कपीस है और हम इस पर भी एक बार ड्रिल करके दिखा देते हैं आपको। आपको ड्रिल करते टाइम हमेशा याद रखना कूलेंट ज़रूर यूज़ करना है। अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आपको हमेशा करना है यूज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने 6 mm की एक सीट थी, इस पर हमने यहाँ पर ड्रिलिंग की है और इसी मशीन की हेल्प से की हमने, ये जो ब्यूल्ड स्किल की जो मशीन है इसकी हेल्प से। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मशीन है, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है, आप भी इसको मंगा सकते हैं। थैंक यू।